दिल्ली में बीजेपी के पूर्व विधायक पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। फतेहपुर बेरी इलाके में एक महिला ने बीजेपी नेता और उसके करीबियों के खिलाफ छेड़छाड़ की FIR दर्ज कराई है। हालांकि हफ्ता भर बीत जाने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। बीजेपी के पूर्व विधायक पर लगा छेड़छाड़ का आरोप। महिला ने बीजेपी नेता के खिलाफ दर्ज कराई FIR। 10 दिन बाद भी पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। ये है बीजेपी के पूर्व विधायक ब्रह्म सिंह तंवर, जिनके खिलाफ एक महिला से मारपीट और छेड़छाड़ का केस दर्ज होने के बाद भी दिल्ली पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। महिला के मुताबिक पुलिस भी ब्रह्म सिंह से खौफ खाती है। कुछ भी मदद नहीं मिली, बस FIR करके उन्होंने छोड़ दिया है। वो कहते हैं ब्रह्म सिंह दबंग आदमी है, खिलाड़ सिंह है, जो कि खिलाड़ सिंह के खिलाफ 18 FIR हो रखी है। ब्रह्म सिंह के खिलाफ महिला ने पहले से ही जमीन पर अवैध कब्जे का केस कर रखा है। महिला का आरोप है कि 22 फरवरी को पूर्व विधायक और उनके साथी उसे केस वापस लेने की धमकी देने आए और उसके साथ बदसलूकी की। ब्रह्म सिंह ने मेरी छाती पे बंदूक रख के मुझे धमकी दी कि अगर तू अपनी कंप्लेन और वो कोर्ट की रिट वापस नहीं लेगी तो मैं तुझे मरवा दूंगा। हालांकि ब्रह्म सिंह महिला के आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं और इसके पीछे राजनीतिक साजिश का आरोप लगा रहे हैं। कई लोग जो राजनीतिक है बीच में, वो इसके बैक में है। आम आदमी पार्टी के भी लोग हैं इसमें, कांग्रेस के भी लोग हैं इसमें, और मैं तो ये भी कहता हूँ मेरी पार्टी के भी कई लोग हैं इसमें जो इनसे मिले हुए हैं, जो इनको बैक करते हैं। फिलहाल सच्चाई क्या है ये तो तफ्तीश के बाद ही सामने आ पाएगा, लेकिन सवाल ये है कि पुलिस जांच कब करेगी। आखिर शिकायत के 10 दिन बाद भी पुलिस ने आरोपी बीजेपी नेता से पूछताछ क्यों नहीं की। टीम न्यूज़ नेशन।